आज हम पढ़ रहे हैं सिस्टम विद वेरिएबल मास, ठीक है। सिस्टम विद ए वेरिएबल मास ए रॉकेट, आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आज? रॉकेट वाला, ठीक है। तो ये क्या आपके पास एक रॉकेट है, ठीक है, आपने क्या बना लिया, एक रॉकेट बना ली। इनिशियली इसका मास आपने ले लिया, कि मास क्या है इसका इनिशियली एम नॉट, एम नॉट मास कब है, जब ये रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। वी नॉट क्या है इसकी वेलोसिटी है, टी इज इक्वल टू जीरो क्या है इसके ऊपर टाइम की लिमिट है, कब है ये टाइम की लिमिट, जब ये किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अब देखो ये जब उड़ना स्टार्ट करेगी रॉकेट, ये क्या आपके पास रॉकेट, रॉकेट के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या डलता है, फ्यूल डलता है, फ्यूल की वजह से ये क्या होती है कि ऊपर उड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने वी जी क्या ले ली, इसकी वेलोसिटी ले ली, ठीक है, और वी आपने क्या ले ली, वेलोसिटी, वी जी आपके पास जो आपने फ्यूल डाला है ना उसकी वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या लगेगी, इस वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। हम क्या ले लिया, हम ले लिया इसका मास, टी इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने टाइम, टी इज इक्वल टू टी, टाइम की क्या ले लिया आपने लिमिट, ठीक है। ये क्या है, जब आपका रॉकेट क्या हुआ, चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये रॉकेट आपका उड़ गया, ठीक है, मतलब ऊपर उड़ गया, यहाँ पे आपके पास रॉकेट है, ठीक है। वी जी क्या है आपके पास, जो फ्यूल है ना उसकी वेलोसिटी है, एग्जस्ट वेलोसिटी, जो गैस का जो निकास होता है ना उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वो नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन जो आपकी वेलोसिटी होगी ना, वो जब आपकी रॉकेट उड़ेगी तो वेलोसिटी में क्या होगा, कुछ ऐड होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, वी वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास वी प्लस डी वी वेलोसिटी हो गई। मास क्या था आपके पास, जब उसने उड़ना स्टार्ट किया तब क्या था, मास एम था, जब वो उड़ गई ऊपर तब उसका मास क्या हो गया, मास में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब आपका मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। मास में से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया, एम माइनस डी एम, ठीक है। और टाइम की लिमिट क्या हो गई, टाइम क्या हो गया, कुछ टाइम में भी कुछ ऐड हो गया, ठीक है। आपके पास जब उसने क्या किया, जब वो रेस्ट पोजीशन में था तब उसकी टाइम की लिमिट क्या थी आपके पास, टी इज इक्वल टू जीरो। जब उसने उड़ना स्टार्ट किया तब आपके पास टाइम की लिमिट क्या थी, टी इज इक्वल टू टी। जब वो उड़ गई रॉकेट तब उसकी टाइम की लिमिट आपके पास क्या थी, टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने रॉकेट ले लिया, वो कब लिया आपने रॉकेट, यहाँ पे जब वो रेस्ट पोजीशन में था, उसका मास एम नॉट था, वी नॉट क्या थी, वेलोसिटी, और टाइम की लिमिट क्या थी, टी इजिकल टू जीरो। जब उसने उड़ना स्टार्ट किया तो उसका मास एम हो गया, वेलोसिटी वी हो गई, ठीक है। वेलोसिटी आपके ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन जो आपकी यहाँ पे जो फ्यूल डलता है उसकी जो वीजी होती है वो वेलोसिटी आपकी नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगी। फिर जब वो उड़ गई तब क्या हो गया, मास में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी में क्या हो गया, कुछ ऐड हो गया, वी प्लस डी वी, और टाइम में भी क्या हो गया, कुछ ऐड हो गया, टी प्लस डी टी। वीजी क्या है आपकी, जो आपके पास यहाँ पे जो फ्यूल डलता है ना, वी जी एगेस्ट वेलोसिटी, उसको बोलते हो आप, ठीक है। अब देखो, कंसीडर द फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ये आपने क्या कंसीडर कर लिया, कि जो आपका फ्लाइट ऑफ रॉकेट है वो डायरेक्टेड वर्टिकली किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रॉकेट उड़ेगा ना वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में उड़ेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सर्फेस ऑफ द अर्थ से एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में आपके पास टाइम क्या था, टी इज इक्वल टू जीरो। एम नॉट क्या था आपके पास, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल, फ्यूल भी क्या था उसके अंदर इंक्लूड था, ठीक है। तो एम नॉट क्या था आपके पास, इनिशियली मास ऑफ द रॉकेट। वी नॉट क्या थी आपके पास, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। वी नॉट क्या थी आपके पास, इनिशियली वेलोसिटी, और एम नॉट क्या था आपके पास, जो इनिशियली जब रेस्ट पोजिशन में आपका क्या था, रॉकेट था, उसका मास, और वी नॉट क्या थी, वेलोसिटी। उसके बाद देखो, एट एनी टाइम टी, आपके पास देखो टाइम टी के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज एम इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉकेट लेफ्ट, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट। उसके बाद आपके पास मास क्या हो गया, एम हो गया रॉकेट का, वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो, सपोज डीएम क्या है आपके पास, ए स्मॉल डिक्रीज इन द मास ऑफ रॉकेट फ्यूल इज बर्निंग। डीएम क्या है आपके पास, स्मॉल डिक्रीज इन द मास, मतलब आप कुछ मास से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। डीवी क्या है आपके पास, स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। वीजी क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ गैसेज एगस्ट, जो आपने फ्यूल डाला ना उसकी वेलोसिटी क्या आपके पास है, वीजी। अब आप क्या यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्या बताता है, कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम, वो आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एम वी है, ठीक है, पी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है एम वी, एम वी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया एम माइनस डी एम, एम माइनस डी एम ये कहाँ से आया है, देखो यहाँ पे आपके पास था मास एम था, उसमें से क्या हुआ कुछ मास सब्ट्रैक्ट हुआ तो एम माइनस डी एम हो गया। बाद में आपने क्या किया वी प्लस डी वी, यहाँ पे आपने क्या किया था कुछ मास आपने क्या किया था डिक्रीज किया था, जो मास आपने डिक्रीज किया था उसको आप क्या कर दोगे यहाँ पे ऐड कर दोगे, और वेलोसिटी आपने क्या की थी ऐड की थी वी प्लस डी वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो आप जो चीज़ आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो तो किस में चली जाएगी एडिशन में चली जाएगी, और जो चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है वो किस में चली जाएगी सब्ट्रैक्शन में। तो आप इसको सोल्व करोगे एम वी इज इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे एम वी प्लस एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस वी जी इंटू डी एम, ठीक है, तो आपके पास जो डी एम इंटू डी वी होगा वो क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या आपके पास बहुत है स्मॉल है क्वान्टिटी, एम वी से एम वी क्या हो जाएगा दोनों साइड में कैंसिल, एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस वी जी डी एम, क्योंकि ये तो आपके पास क्या हो गया नेगलेक्ट हो गया, नेगलेक्ट हो गया कैसे नेगलेक्ट हो गया क्योंकि ये क्या है आपके पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, तो यहाँ पे एम डी वी को आप इस साइड लेके आ गए तो वी डी एम क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस में वी जी डी एम भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आपके एम डी वी की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों में से आप क्या करोगे डी एम को कॉमन निकाल लोगे आपके पास क्या बच जाएगा वी प्लस वी जी, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट।